नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैंने कुछ आजियो से कुर्ती मंगाई है क्योंकि अभी एक फेस्टिवल का डिस्काउंट चल रहा है, तो उसमें मैंने दो कुर्तियाँ मंगाई हैं फॉर फेस्टिव पर्पस। तो उसमें चलिए देखते हैं कि ये कैसा आया है और देखते क्या ये पहनने लायक है या नहीं। तो दोस्तों, ये है मेरी पहली कुर्ती। ये पता नहीं क्यों मुझे कैमरे में कुछ ज़्यादा ही रेडिश ऑरेंज लग रही है, बट ये एक्चुअली में ये पिंक कलर है और ये रेड कलर है। पिंक रेड पिंक ऐसे कॉम्बिनेशन में है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये यहाँ पे गोल्डन फॉइल वर्क किया हुआ है जिस वजह से इस कुर्ती में हल्की सी शाइन है। इसका कपड़ा रेयन में है और ये अक्स ब्रांड का है। वैसे इसका ओरिजिनल प्राइस इसमें 1899 लिखा हुआ है, बट मैंने इसे सेल में 522 रुपीस का बाय किया है। ये एक बहुत अच्छी कुर्ती है और ये चीज़ मैंने गौर नहीं की थी कि ये जो बटन है, मुझे लगा था कि सिर्फ ऊपर के दो बटन ही खुल सकते हैं, बाकी सब, बट एक्चुअली में इसके सारे के सारे बटन ओपनेबल हैं, तो आप इसे श्रग के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फुल व्यू देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों, ये है इस कुर्ती का फुल व्यू और आप जैसे कि देख रहे हैं, ये कुर्ती बहुत ही लॉन्ग है और इसका कलर एक्चुअली में हल्का सा मजेंटा रेड, चेरी रेड और मजेंटा पिंक के मिक्सचर का है, बट इसमें मुझे नहीं पता ये क्यों पूरा ऑरेंज दिख रहा है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पिंक है, ये रेड है, ऐसे ही दिया हुआ है ये पूरे कुर्ती में। और आप देख सकते हैं इसका लेंथ, ये पूरा का पूरा रेयन फैब्रिक में है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट टू टच है, आपको इचिंग नहीं होगा। और ये एक्चुअली में ये साइज़ डबल एक्सेल है, मगर ये डबल एक्सेल में चूँकि फिटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, बट चूँकि यहाँ पे ये ऐसे करके खुलने वाला है, तो जिस वजह से थोड़ा सा भी पेट होने पर ये ऐसे खुल जाता है, तो ये बहुत ही भद्दा लगता है। तो अगर आपका ज़्यादा बड़ा पेट है तो आप इस कुर्ती को लेना अवॉइड करिए। और आप देख सकते हैं ये कुर्ती, बाकी इस कुर्ती में कोई भी फिटिंग की कोई इशू नहीं है, बस ये है कि अगर आपको ज़्यादा पेट है तो ये आप ऐसे खुल जाएगा और उसमें से आपका टमी बाहर दिखेगा। तो इसमें बस एक यही माइनस पॉइंट था, बाकी इसमें हल्के से शाइन है, ये गोल्डन प्रिंट्स हैं पूरे, और ये फेस्टिव वियर के लिए ये बहुत एप्रोप्रिएट है। रेयन फैब्रिक है इसका, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो दोस्तों, वो अक्स की पहली कुर्ती थी और ये दूसरी कुर्ती मैंने मंगाई है, ये है ब्रांड इनवीव से। ये भी मैंने डबल एक्सेल में मंगाया है, मगर इसका फैब्रिक जो है ये कॉटन है, ये सूती कपड़ा में है, मगर इसमें यहाँ पे पूरी की पूरी जरी वर्क किया गया है और सिप्पियों का वर्क है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें गोल्डन गोटा पत्ती का काम किया हुआ है और ये जो सिप्पियाँ भी है ना, ये गोल्डन वर्क में ही है, यानी गोटा पत्ती और सिप्पियाँ गोल्डन वर्क में, मगर ये अंदर का जो जितना भी जरी थ्रेड वर्क आप देख रहे हैं ये सब सिल्वर में है। तो इस वजह से आप इसमें गोल्डन और सिल्वर दोनों तरह की एक्सेसरीज कैरी कर सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये भी ऑरेंज और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है, ये ऑरेंज और पिंक कलर के बांधनी कॉम्बिनेशन में है। और मैं अभी आपको इसका फुल लुक दूंगी। ये भी मैंने डबल एक्सेल में मंगाया है और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना फिनिशिंग के साथ वर्क किया गया है। तो चलिए इसका फुल लुक देखते हैं। तो दोस्तों, ये है इस कुर्ती का फुल लुक, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी भी लेंथ अच्छी है, ये घुटनों के नीचे तक की एक कुर्ती है और इसके एल्बो में भी आप देख सकते हैं कि ये गोटा पत्ती का वर्क किया हुआ है और ये पूरा का पूरा कॉटन में है, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही सुंदर कुर्ती है, पर इसमें एक मेजर इशू मुझे ये लगा, चूँकि टमी निकले हुए लोगों को ये टमी के एरिया से टाइट हो सकती है। जी हाँ, ये शोल्डर से लूज़ है, इसका एल्बो भी अच्छा खासा ठीक है, ऊपर टॉप पार्ट भी ठीक है, मगर जैसे ही ये टमी वाले एरिया पे आती है ये यहाँ से यहाँ तक में टाइट हो जाएगी, क्योंकि इसका जो स्लिट है ये उतना ऊंचाई तक नहीं दिया हुआ है। जैसे कि आप स्लिट देख सकते हैं, इसका स्लिट लंबा नहीं है, इसका स्लिट नीचे ही ख़त्म हो जा रहा है, तो इस वजह से ये टमी एरिया को एकदम पैक करके रखती है और ये इसका एक मेजर 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 इशू है। अगर आपको टमी बिल्कुल भी नहीं है या हल्का सा टमी है तो आप इसे ले सकते हैं, मगर आपको अगर बहुत ज़्यादा टमी है तो
आप इसे लेना अवॉइड ही करें। ये आप गोटा पत्ती देख सकते हैं, ये गोल्डन प्रिंट में है। और आपको इसका क्लोजर व्यू देख देती हूँ, अब आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा। देखिए सिप्पियाँ गोल्डन में है मगर थ्रेड वर्क सिल्वर में है। तो आप कोई भी किसी भी तरह की एक्सेसरी कैरी कर सकते हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। बस यही इशू है कि इसका ये जो स्लिट है ये एकदम ऊपर तक नहीं है, ये यहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है, जिस वजह से इतना पार्ट में यहाँ पे आपका टमी आएगा इससे मुश्किल। और ये एकदम अगर आपका टमी ज़्यादा निकला हुआ है तो ये पूरा का पूरा कंजस्टेड रहेगा और आपका टमी इसमें और शो होगा। इस वजह से अगर आपको टमी है तो आप इस कुर्ती को लेना अवॉइड करें। इन दोनों कुर्तियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने इसे आजियो से ख़रीदा है और उसमें कूपन कोड मैंने बूम लगाया था, जिस वजह से ये कुर्ती मुझे 605 रुपीस की पड़ी। इसका एक्चुअल प्राइस भी आप देख सकते हैं, इस कुर्ती का एक्चुअल प्राइस 2199 है। मैंने इसे 605 रुपीस में ख़रीदा है। तो बस यही था एक इशू, बाकी ये बहुत ही सुंदर कुर्ती है। तो ऐसे ही रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।